तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस, गेम में एक नया बंडल आ चुका है जिसका नाम है एमसी फंक बंडल। तो गाइस, सबसे पहले हम उस बंडल को निकाल लेते हैं फेडेड व्हील में से। तो गाइस, यहां पर हम आ चुके हैं फेडेड व्हील में और दो चीज यहाँ पर निकाल देते हैं, बाउंटी वाला कार्ड और पेट फूड। और यहाँ पर अपन पहली फ्री स्पिन मारते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। और यहाँ पे गाइस हमें मिला है वेपन क्रेट, जिसको अपन ओपन करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद एक दूसरी स्पिन मारेंगे, देखते हैं इसके अंदर हमें बंडल मिलता है कि नहीं मिलता है। इसमें भी क्रेट मिला, इसको ओपन करेंगे, इसको भी स्कैन हो गया क्योंकि हमारे पास ये गन स्किन ऑलरेडी है। और वो जो ग्रीन वाली स्कार है गाइस, उसकी भी स्किन मेरे पास ऑलरेडी है, वही निकली भाई, इसका भी स्कैन हो जाएगा, सीधी बात है। उसके बाद एक बार फिर से अपन स्पिन मारेंगे गाइस, यहाँ पर निकली है एक और गन स्किन की क्रेट, मगर यहाँ भी टेम्पररी गन ही मिलेगी। और इस बार गाइस हमें एयूजी मिल चुकी है गाइस, और इसको अपन क्लेम कर लेंगे। फिर से एक बार स्पिन मारेंगे गाइस, देखते बंडल मिलता है नहीं मिलता है। गाइस मेरे को लगता है लास्ट में ही ये बंडल निकलने वाला है। और भाई निकला यहाँ पे डायमंड रोले का वाउचर, और एट द एंड गाइस फाइनली हमें एमसी फंक बंडल मिल चुका है गाइस। तो इसको पहन के अपन फटाफट चले जाते हैं गेम में। तो गाइज हम यहाँ पर खेल रहे हैं सोलो वर्सेस जियो गेम प्ले, और हम लैंड हो चुके हैं। और गाइज ऊपर हमें चार बंदे देखे, और मेरे पास है AK-47 और EUG। यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या हमें कोई शॉर्ट रेंज का वेपन मिलता है, क्योंकि वो बंदे हमारे पे रश करने आ सकते हैं क्योंकि हम अकेले थे जब लैंड किए तब। तो यहाँ पर देखते क्या मिलता है। ओके, छोटू शॉर्ट गन गाइज हमें मिल चुकी है, और नीचे बंदे का आवाज आ रहा है, लगता है वो बंदा गाइज यहाँ पर ऊपर आ सकता है। और भाई दो बंदे एक साथ में रश किए, एक को गाइज डाउन कर दिए, दूसरे को यहाँ से स्कोप करके मारने की ट्राई करेंगे। ओ माई गॉड, सीधा सर पे आके रुका, और गाइज यहाँ पर अपन ने मार दिया है। बाउंटी में क्या निकला, ओ भाई EWM गाइज, ये गेम सबसे बेस्ट ओपी जाने वाली है। तो गाइज फटाक से यहाँ पर हम साइलेंसर लगा के EWM को पहले स्लॉट में लगा देते हैं, और AK जो है एक काम करते हैं, AK को रिप्लेस कर लेते हैं, वेक्टर ले लेते हैं, और Level 3 की ग्रिप भी ले लेते हैं ताकि MP40 मिले तो कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर गाइज अपन नीचे चले जाते हैं, थोड़ा लूटते, देखते वेक्टर की जगह पे कोई और अच्छी गन चाहिए। और गाइज यहाँ पर हमें MP5 मिल चुकी है, ARMO यहाँ पर अपन डाल देते हैं, और SMGMO ले लेते हैं। तो गाइज जब तक हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा देके ऑल पे आइकन जरूर सेट कर लेना। गाइस यहां पे नीचे एक बंदा हमें दिख चुका है, और भाई देखते हैं वो बंदा कहां जाता है, क्योंकि यहां पर और भी दो बंदे हैं जो उतरे थे। और गाइस ये बंदा यहां पिलर के पीछे आके खड़ा है, इसको अपन मारने की ट्राई करेंगे, रुक गया। और भाई इसको एक चिपकाया, दूसरा चिपकाया गाइस, यहां पे एक और बंदा अपन ने डाउन कर दिया है, और यहां पर उसका टीममेट जो है वो आगे पीछे कहीं से भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है। जी हां, पीछे से उसका प्रो टीममेट आ चुका है, और उसको गाइस अपन ने 181 का फटका मार दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ एलाइट केली। यहां पर से अपन ग्रेनेड डालने का ट्राई करेंगे, और भाई नहीं पहुंचा ग्रेनेड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर जाके उस बंदे को मारेंगे। उसके पहले इसको एक AWM का फटका मार देते हैं ताकि रिवाइव होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए। कहां है वो बंदा, यहीं तो बैठा था, कहां है भाई। ओ भाई पीछे से आया, जी हां, और इसको अपन मार देंगे एकदम तगड़ा वाला हेडशॉट। तो गाइस यहां पर अपन ने 4 किल कर ली है, और जब तक हमें आगे बंदे मिलते हैं हम वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं पहुंची नॉक में, और यहां पर ऊपर सीमेंटेड हाउस में दो बंदे हैं, तो हम उस पे कर रहे हैं रश। हमारे पास AWM, ये रहा बंदा, और इसको अपन मारेंगे। कहां हो भाई, ओ वोकोंग बन गया ये, तो इसको बैठ के डाउन कर देंगे, एक ग्लूअल डाल देंगे। और उसका जो दूसरा बंदा है वो भी यहीं था अभी, वो भी मतलब ड्रैगनों या ऐसी कुछ गन जो है वो चला रहा था सिंगल फायर वाली। कहां है बंदा, ओके शायद उसके पास गया, देखते कहां है। ओके ये रहा बंदा, और गाइस इसको एकदम चमचमाता हेडशॉट हमने मार दिया। तो गाइस इसी के साथ हमारे 6 किल हो चुके हैं, और हम फिर से एक बार वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे जब हमें नेक्स्ट बंदे मिलते हैं तब, ताकि वीडियो जो है वो बोरिंग ना हो जाए। तो गाइस हम आ चुके हैं पीक पर, और गाइस यहां पर डबल डोर में बहुत ज्यादा फायरिंग की आवाज आ रही थी, और थोड़ी देर पहले वो बंद हुई है। तो ओ जी हाँ, ये अकेला बंदा बचा है, इसको अपन मार देते हैं, और जी हाँ ये डायरेक्ट फिनिश हो गया गाइस। तो यहां पर से अपन थोड़ी लूट भी कर लेते हैं, और इसी के साथ गाइस हमारे 7 किल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस थोड़ी लूट करने के बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे ग्रीन हाउस के आसपास एक रेड एरो दिखा, देख लीजिए ऊपर मैप में, और जी हाँ वहां पे दो बंदे फाइट ले रहे थे, और मैंने उस बंदे को चमचमाता AWM का हेडशॉट चिपका दिया। और ग्रीन हाउस के पास अभी भी एक बंदा जो है वो खड़ा है, उसको लग रहा है कि ग्लू वॉल के पीछे जो बंदा है वो अभी मरा नहीं है, तो अपन उसको भी हेडशॉट देने की ट्राई करेंगे। रुक जा रुक जा, ओ भाई ये लास्ट मोमेंट पे घूम गया, फिर से इसको मारेंगे। तो गाइस इसको भी अपन ने एकदम चमचमाता AWM का हेडशॉट मार के डाउन कर दिया है। तो जब तक गाइस अपन आगे जाते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता दो कि क्या आपको ऐसे और गेम प्ले के वीडियोस चाहिए फेस कैम के साथ, क्या आपको वीडियो पसंद आते हैं कि नहीं आते, तो मैं ऐसे ज्यादा वीडियो लाने का ट्राई करता रहूंगा। इसका कोई टीममेट आ चुका है गाइस, आवाज आ रहा है यहां पर, अपन पीछे जाते हैं, देखते हैं वो बंदा कहां है। ओ भाई ये रहा हमारा पीरो प्लेयर, रुको जरा भाई, इसको पैन पे लगा। लोल भाई क्या ही डैमेज दिया, ये बहुत अच्छा बंदा लग रहा है।
तो गाइस इसकी मूवमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हेडशॉट नहीं चिपक रहा है। इधर अपन एक काम करते, खड़े रह के मेडिकेट मार लेते क्योंकि डैमेज हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका है। ओके, और अब अपन AWM लेके, नहीं एक काम करते हैं MP40 लेके जाते, रिस्क नहीं लेना, बंदा अच्छा है। और यहाँ पर बंदा आया, रुक जा। और गाइस इसको मार दिया एकदम चमचमाता हेडशॉट, और इसी के साथ गाइस हमारे 10 किल कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं यहाँ पर बीमा शक्ति स्ट्रिप के ऊपर, और यहाँ पर दूर से मेरे को राइट साइड में एक बंदा आता हुआ दिखा। इसको अपन एक स्नाइपर का शॉट चिपकाया, दूसरा मैं मिस कर दिया, मगर उसके बाद तुरंत उसने ग्लोअर लगाई। स्काइलर का यूज करेंगे मगर फिर भी ग्लोअर लगा दी। आई होप कि वो बंदा काफी अच्छा प्लेयर है, उस पर अपन रश करते एकदम तगड़ा वाला। ओ भाई उसका टीममेट आ गया, भाई क्या ही डैमेज दिया उसके टीममेट ने। उसका टीममेट शायद अपने पे रश करेगा, जी हाँ रश कर रहा है। भाई ये मरा क्यों नहीं, इसको कितना सारा डैमेज आया, आई डोंट नो क्या दिक्कत है। भाई ये बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत सॉलिड डैमेज दे रहा है। और भाई इसके टीममेट को अपन ने डाउन कर दिया है, मेन प्लेयर जो है वो अपने पीछे आएगा। जी हाँ डबल बैरल है उसके पास, थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा, वो बंदा जो है अपने पे रश करेगा तो। और ये भाई भाई एक दो HP से बचा मैं, लोल अभी अपना गेम यहीं पे फिनिश हो जाता एक दो HP से मैं बचाऊं। यहाँ पर स्काइलर है तो ग्लोअल डाल के HP ले लेंगे। और गाइस इसी के साथ इस बंदे को भी अपन ने खत्म कर दिया यहाँ पर। ओ भाई पीछे से कोई मार रहा है, रुको जरा मेडिकेट लगा लेते हैं। तो गाइस पीछे वाला बंदा यहाँ पर कहीं पे दिख नहीं रहा है, देखते हैं कि वो बंदा एक्चुअली में मार कहाँ से रहा था, क्योंकि हमारे 12 किल जो है वो यहाँ पे एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस 4 घंटे ढूंढने के बाद भी मुझे एनिमी कहाँ है ना वो नहीं मिल रहे, तो अब अपन अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाएंगे और जो ड्रोन है हमारे पास उसको चारों डायरेक्शन में एक एक छोड़ देंगे। तो भाई देख लीजिए यहाँ पर हर एक डायरेक्शन में मैं एक एक ड्रोन छोड़ रहा हूँ, जिससे मुझे एनिमी की जो लोकेशन है ना वो इजीली पता चल जाएगी। और आप देखिए ऊपर मैप में आपको रेड डॉट्स दिख रहे हैं, वो हमारे एनिमी है। तो गाइज हमारे सिवा 6 बंदे बाकी बचे हैं और यहाँ पर हमारे 12 किल हो चुके हैं। तो गाइज क्या लगता है, इसको अपन ने एक चिपकाया, दूसरा चिपकाया मगर लगा नहीं, डोंट नो वाई। ग्लोअर लगाई, अपन फिर से जाके मारने का ट्राई करते उसको। और भाई लड़की पेड़ के पीछे आ गई, मगर पीछे से कोई बंदा आ रहा है, देखना पड़ेगा वरना पीछे से हेडशॉट ना मार दे। कहाँ है बंदा, कहाँ है, दिख नहीं रहा है कहाँ है। ओ भाई टावर चढ़ने की कोशिश, और भाई ये बंदा यहाँ पे डाउन हो गया है। उसका जो टीममेट है वो यहाँ पेड़ के पीछे, लड़की जिसको अपन 165 का मारे थे। और भाई इसको एकदम OP वाला हेडशॉट लगा के यहाँ पे हमने 14 किल कर लिया। ओ भाई 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 रुको जरा सबर करो, यहाँ पे अपन एक मेडिकेट मार लेते हैं, शायद ऊपर एक बंदा है, आई डोंट नो क्या दिक्कत है उसके साथ, मगर वो हमारा गेम खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो अपन यहाँ पर फटाफट मेडिकेट मार लेते हैं और यहाँ बक्से के पीछे चले जाते हैं क्योंकि वो ग्रेनेड मारेगा, तो देखते क्या सीन रहता है। यहाँ पे ग्रेनेड भी रिपेयर कर लेते हैं अपन। ओ भाई साहब क्या बात है, यहाँ पे ऊपर से बंदा ग्रेनेड मार रहा है। ओ हाँ बच गए, अभी ख़त्म कर देता अपना किस्सा। यहाँ पे L शेप में चले जाते क्योंकि अगर ग्रेनेड मारेगा तो भाई पता नहीं, अगर टाइम वाला होगा तो सीधा ख़त्म कर देगा हमें। जी हाँ देखो ग्रेनेड पे ग्रेनेड मार रहा है, वो बंदा कहाँ है हमें दिख नहीं रहा है। और अपन एक काम करते हैं, खिड़की से देखते वो बंदा कहाँ है, कहाँ हो भैया जी, दिखिए जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ। ओ भाई कहाँ हो आप, ओ ये रहे, एक चिपकाएंगे इनको, जी हाँ दूसरा चिपकाएंगे, मिस कर दिया भाई साहब, ये बहुत मिस हो रही है। स्काइलर मारेंगे और गाइस किस्सा ख़त्म। इसी के साथ इस बंदे को अपन ने ख़त्म कर दिया। गाइस पीछे एक बंदा है, फायरिंग किया, देखते गाइस क्या हो सकता है। यहाँ पे 15 किलो हो चुका है, ये रहा बंदा। पर गाइस लफड़े ये है कि AWM में सिर्फ एक ही बुलेट है, अगर इस बंदे को अपन मारेंगे फिर AWM आउट ऑफ एमो हो जाएगी, तो हमें गन जो है उसे बदलनी पड़ेगी। देखते क्या पड़ा है यहाँ पे, कौड़ी ले लेते गाइस, कुछ नहीं तो क्या कौड़ी भी काम में आ जाएगी, क्योंकि इसमें गोली तो निकलेगी, AWM में गोलियाँ ही नहीं है। यहाँ पर एक काम करते हैं, ऊपर जिसको हमने मारा था टावर में उसको जाके लूटते हैं, मगर ऊपर वाला डैमेज देगा। जी हाँ मार रहा है भाई ये, यहाँ पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर गाइस अपन एकदम सेफ है। ओ भाई वेपन चेंज हो गए, पहले MP40 को वापस ले लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद अपन AK लेने वाले कॉल को फेंक के, और यहाँ पर भी मतलब थोड़े एमओ फेंक के ARMO का एक सेट ले लेते हैं, जी हाँ, ताकि जो है वो दिक्कत ना हो। ओके गाइस यहाँ पर अपन लॉक एंड लोडेड हो चुके हैं और वापस अपन नीचे जाते हैं। वो बंदा कहाँ है देखना पड़ेगा, शायद वो बंदा नीचे आ चुका है L शेप के अंदर, और दूसरा जो बंदा है वो भी मुझे लगता है कि L शेप के अंदर ही है, तो देखना पड़ेगा कि वो बंदा कहाँ है, क्योंकि दोनों एक ही टीम के लग रहे हैं मेरे को ऐसा लग रहा है, वरना आपस में फाइट तो ये लोग करते ही रहते। तो देखते कहाँ है बंदे, ऊपर तो कहीं बंदा नहीं दिख रहा है, तो अब एक ही जगह है जहाँ पे बंदे हो सकते हैं और वो है ये L शेप वाला मकान। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर ग्रेनेड मार के देखते हैं कि ऊपर अगर बंदा कॉर्नर में बैठा है तो उसको अपन उड़ा देंगे। जी हाँ यहाँ पे ग्रेनेड लेते हैं और ये लगाया ग्रेनेड, और भाई क्रोनो लगा दिया, बंदा वहीं है। नीचे भी एक ग्रेनेड डालते हैं और खिड़की में से डालने की कोशिश करते हैं, नहीं गया खिड़की में से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गाइस तो मतलब बंदे जो है वो दोनों ऊपर है, क्रोनो लगा के बैठे, ये फिक्स हो गया। और यहाँ पर अपन एक और ड्रोन छोड़ देते हैं ताकि कंफर्मेशन हमें मिल जाए। भाई ड्रोन की मदद से ये गेम बुया निकलने वाली है, देखते हैं। ऊपर बंदा है, पता नहीं ग्लोअल तोड़ रहा है कि क्या कर रहा है। जी हाँ यहाँ बंदा लग रहा है। ओके ये रहा बंदा, आओ जरा बाहर आइए। और भाई साहब क्या ही रिकॉइल कर गई MP40, कोई दिक्कत नहीं है। ये बंदा आया, AK हाथ में रखेंगे
और गाइस इसको अपन ने एकदम चमचमाता हेडशॉट मार दिया गाइस। अब सिर्फ एक बंदा बाकी बचा और अपन 16 किल कर चुके हैं। क्या हमें 17वां किल मिलेगा? क्या हुआ भाई? भाई इलिमिनेट हो गया। तो गाइस इसी के साथ अपन ने यहाँ पे कर लिया है सोलो वर्सेस डुओ में एकदम चमचमाता हुआ 16 किल मार के। तो आप मुझे बताइए कि गेम प्ले आपको कैसा लगा। अगर गेम प्ले पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक दे देना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना ताकि मैं आगे ऐसे गेम प्ले आपके लिए लाता रहूं। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।